2024 के आखिरी सूर्य ग्रहण का देश, दुनिया और सभी व्यक्तियों पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। साल 2024 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात से शुरू होकर 3 अक्टूबर की तड़के 3:17 तक चलेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहण के दौरान तीर्थ स्थान पर गंगा स्नान किया जाए तो उसका विशेष फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। ग्रहण के दौरान तीर्थ स्थान पर गंगा स्नान करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। मैं सूर्य ग्रहण पर गंगा स्नान अगर किया जाए तो कैसा फल मिलेगा, खासकर हरिद्वार में? सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को होगा और का समय रात्रि 9:13 से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन 3:17 तक प्रातःकाल उसका समय निश्चित है। अब इसमें सवाल यह है कि हम स्नान कब करें? जब सूर्य ग्रहण का समापन हो जाता है तत्पश्चात अपने सूतक के प्रभाव को और ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए तीर्थों पर सूर्य ग्रहण के निवारणार्थ स्नान किया जाता है तीर्थों पर। और जबकि हरिद्वार जो मायापुरी बीच को कहते हैं, सब पुरियों में भी है, सबसे अधिक महत्व हर की पौड़ी पर स्नान करने का है। इसीलिए जो भी व्यक्ति हर की पौड़ी पर स्नान करेगा उस दिन उसको समस्त पुण्यों के फल प्राप्त होंगे। जैसा कि शास्त्रों में भी एक मायापुरी हरिद्वार का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, इसीलिए उस दिन यहाँ गंगा स्नान अवश्य करें। तत्पश्चात दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, वस्त्र दान एवं अन्न दान करना श्रेष्ठ होता है। युगों युगों से माँ गंगा हमारे हिमालय पर्वत से प्रवाहित हो रही हैं और युगों युगों से सभी व्यक्ति सभी पर्वों पर यहाँ स्नान करते हैं और हरिद्वार में जो भी ग्रहण आते हैं उनमें गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। तो सभी जो भक्त हैं उस दिन सूर्य ग्रहण के बाद गंगा स्नान अवश्य करें, जिससे कि उनको मन वांछित फल प्राप्त हो और उनके सभी कष्ट सभी पापों का निवारण हो सके।